व्हाट्सअप नमस्कार, मैं श्रीनिगेत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल केएम पर आर ब्लॉग्स। तो पिछले ही ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने मेरे लेटेस्ट हेलमेट का स्टड थंडर का एक डिटेल्ड रिव्यू किया था, एंड उस रिव्यू के एंड में मैंने बताया था कि जल्द ही इसका जो मेन राइवल है विच इज़ दिस वन द वेगा बोल्ट, इसका एक डिटेल्ड कंपेरिजन वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पर आएगा। सो इट्स लिटरली 7:30 इन द मॉर्निंग और मैं मेरे दोस्त के साथ आऊँ जिसे मैंने पिछले ब्लॉग में मैंशन किया था, जिसका ये एक्चुअली हेलमेट है और ये V3 है। सो ऋषभ प्लीज ज्वाइन। हाय गाइस, से हेलो टू माय फ्रेंड ऋषभ। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है ऋषमन के नाम से, प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अजीबोगरीब क्वेश्चन है, आपके पास V3 है, हाँ, सिर्फ 6 महीने हुए लेकर, हाँ, अभी अभी V4 लॉन्च हुई है, हाँ, आपका क्या इस बारे में कहना है? V4 का पावर कम है, अगली दिखती है, ये बेस्ट है, ये ले लो। अभी ऐसा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ले लिए तो अभी झेलना तो पड़ेगा ही अगले 5 साल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज सेटिस्फाइड, अभी कैमरा बनता है बता रहा था, ही इज मोर देन सेटिस्फाइड। एनीवेज लेट्स नॉट गेट ऑफ द टॉपिक। First of all, we'll ask him why did he buy the Vega Bolt over the Studs Thunder, the industry benchmark. See, Vega Bolt का styling एकदम AGV के जैसा है, Studs Thunder मैंने देखा था, पर इसका जो कुशनिंग है वो मेरे liking के हिसाब से best था, soft है तो उठा लिया फिर। और side से अगर आप इस helmet को देखोगे तो full AGV ही दिखता है, तो इसको अगर बस Vega के stickers हटा के AGV लगा दिया तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये वेगा है या AGV है। एग्जैक्टली तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट, एक मेन USP है इस वेगा बोल्ट का। वेगा ने बहुत क्लेवरली दिमाग लगाया है, जैसे जो एक्सोर का स्पॉयलर आता है सिमिलर टाइप का एक स्पॉयलर दे दिया, एंड दिस ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट लिटरली लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, जस्ट लाइक दी K3 और K5 SV फ्रॉम AGV। राइट, तो नाउ लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ दिस हेलमेट्स बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल डिफरेंसेस। उसके बाद निकलते हैं हाईवे पर टू कंपेयर द विंड नॉइज इंसुलेशन विच दीज हेलमेट्स प्रोवाइड फॉर अ बिगिनर राइडर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द की डिफरेंसेस, द टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू हेलमेट्स। एंड इफ आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, इन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है, जो फीचर लिस्ट है, इट इज प्रिटी मच आइडेंटिकल एक्सेप्ट वन की डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के शेल बने हैं फ्रॉम हाई इम्पैक्ट इंजीनियरिंग ग्रेड थर्मोप्लास्टिक और ABS वी कैन से। दोनों में रिमूवेबल पैडिंग आती है। चिनस्ट्रैप मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो दोनों में ही ऑब्वियसली एक क्विक रिलीज मैकेनिज्म आता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आप ऑब्वियसली जो डबल डीरिंग मैकेनिज्म होता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अदर दैन दैट बोथ ऑफ देम गेट अ लार्ज वेंट अप फ्रंट एंड टू इनटेक वेंट्स एट टॉप ऑफ द हेड एंड टू एग्जिट वेंट्स एट द रियर। And that is where the similarities end, because जो Vega Bolt है उसका जो highlighting feature है it is the spoiler. Talking about the weight and the safety aspect, दोनों का जो weight है it's pretty much similar at around 1300 grams. जो Vega Bolt है it's around 50 grams more. Continuously पहन कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी difference पता नहीं चलेगा in terms of the weight I'm talking about. And then talking about the safety, जो Studs Thunder है इसमें आता है एक ISI सर्टिफिकेशन विच इज़ एक्सेप्टेबल एट दिस प्राइस पॉइंट, बट वेगा ने इस हेलमेट को, वेगा बोल्ट को DOT अप्रूवल के साथ मार्केट में लॉन्च किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज अंडर 2000 rupees दिस इज़ द ओनली हेलमेट विच हैज़ द DOT सर्टिफिकेशन। देर इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेलमेट्स इन टर्म्स ऑफ द बाइंग एक्सपीरियंस। अगर आप वेगा बोल्ट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से खरीदते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यूल ऑलवेज गेट अ क्लियर पॉलीकार्बोनेट वाइजर, एंड आपको अगर इसको चेंज करके एक मिरर या फिर एक स्मोक्ड वाइजर खरीदना होगा तो आपको एडिशनल 200-220 rupees तक स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम Studs Thunder के साथ एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अगर आप किसी भी डिकैल के साथ इसे खरीदते हैं, इवन इन ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको हमेशा ये मिरर वाइजर ही मिलेगा साथ में। एंड अगर आपको इसे रिप्लेस करके एक क्लियर वाइजर खरीदना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नाइट टाइम राइड करना है, सो यू कैन डायरेक्टली एक्सचेंज द यू नो द मिरर वाइजर विद द क्लियर वन एट नो एडिशनल कॉस्ट। सो टॉकिंग अबाउट द कम्फर्ट ऑफ द Studs Thunder, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न आई पर्सनली वेंट फॉर द Studs Thunder ओवर द वेगा बोल्ट
is because of the fit and finish and the build quality of the Studs Thunder. First of all, जब ये लॉन्च हुआ था literally three and a half years back, तो everyone was blown away by the sort of quality, the fit and finish of the inner liner as well as the overall shell and stuff of the Studs Thunder. And इसका जो comfort है, जो inner liner का comfort है, it is just next level. Again, according to my, you know, head shape and size. अगर हम बात करते हैं about the comfort of the Vega bolt, just a second. So as you can see, अभी मैंने Vega का bolt पहना है. And the key difference which I am experiencing, again personally, कि इसका जो, you know, skull area है, वो आपके head को ज़्यादा जोर से पकड़ता है compared to the, you know, Thunder. And at the same time, जो cheek pads है, वो इतने, you know, tightly आपके jaw को पकड़ते नहीं है compared to the Thunder. Again, this is a personal experience. तो अब बात करते हैं regarding the wind noise insulation of both of these helmets. So guys, अभी मैंने मेरे दोस्त के Vega Bolt पर GoPro का मोटो व्लॉगिंग सेटअप किया है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस हेलमेट ऑन द हाईवे एट अराउंड 80 to 100 km/h. एंड आई एम जेन्यूनली इम्प्रेस्ड बाई द विंड नॉइज इंसुलेशन ऑफ दिस हेलमेट. आई मीन इस बजट में इतना अच्छा विंड नॉइज इंसुलेशन और कोई भी हेलमेट नहीं दे पाता. एंड येस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टड्स थंडर. 60, 70, 80 तक इसमें बहुत कम विंड नॉइज आता है कंपेयर टू द स्टड्स थंडर. कंपैरिजन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपको एक बहुत हाई क्वालिटी फॉर द प्राइस एक अच्छे क्वालिटी का हेलमेट चाहिए फॉर डेली सिटी कम्यूटिंग एंड टूरिंग एट 60-70 km/h, यू कैन एब्सोल्युटली स्टिल गो फॉर द स्टड्स थंडर. बट इवन आई एम सरप्राइज कि अगर आपको एक अच्छा हेलमेट चाहिए फॉर सिटी कम्यूटिंग एंड एट द सेम टाइम टूरिंग एट अराउंड 70-80 km/h, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर द Vega Bolt. सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे एंड कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो अबाउट बोथ ऑफ दीज हेलमेट्स, विच वन वुड यू प्रेफर. ऑल्सो मेरे दोस्त का जो YouTube चैनल है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. गो अहेड एंड फॉलो हिम एज वेल. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Bye-bye.